सनातन धर्म बीमारी की तरह इसको जड़ से मिटाना इनके नेताओं ने वहां पर कहा है, इनके नेताओं ने कहा है। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश से। लेकिन ये शब्द जो इन्होंने कहे, सनातन धर्म को जो नीचा दिखाने का प्रयास किया, सनातन धर्म को आपने एक दर्जे भी के साथ जोड़ने का काम किया, इनके पार्टी के नेताओं ने जो कहा ये मंजूर नहीं है। ये सनातन धर्म को कुचलने की बात करते, जड़ से मिटाने की बात करते, और राम मंदिर के प्रचारण पर रोक भी किसी सरकार ने लगाई तो किस सरकार ने लगाई, क्यों लगाई है, क्यों लगाई थी लोग को, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेना पड़ा है, क्यों राम का विरोध करते हैं। अरे कुछ वैसे बैठे जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, कुछ वो है जिन्होंने राम मंदिर को टेंट में रखा, कुछ वो है जिन्होंने राम मंदिर के प्रचार पर रोक लगाई। कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने कितने, ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं। हाँ रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो, लहराते फिरते हो, निकालो के अच्छे देखो, अरे निकालो के अच्छे देखो। अगर संविधान को तार तार किसी ने किया था, संविधान को कुचलने का किसी ने काम किया था, तो वो भी आपने इमरजेंसी लगा कर किया था। देश आपको माफ नहीं करेगी। दादा आपको क्यों दर्द हो रही है, इमरजेंसी उन्होंने लगाई, आप ऐसे ही अपने उल्टा फिर ले रहे हो। बाद में मैं सभापति जी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, ये तृणमूल कांग्रेस बीच में आ गई। मैं कांग्रेस के बारे में इतना ही कहूंगा, ये तो संविधान की बात आपके मुंह से वो लगती है कि सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, और कांग्रेसीकरण करने की बात करूं जैसा ये हर योजना का करते हैं, अगर इसको मैं कांग्रेसीकरण करके कहूं कि सौ संशोधन करके कांग्रेस संविधान बचाने को चली, मैं इतना ही कहूंगा। दामन है दागदार फिर भी खिलाकर चलते हो, जमानत में है परिवार फिर भी सिर उठाकर चलते हो, पूछो कौन। इनको इतनी तो शर्म आनी चाहिए, इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने 2014 में 44 सीटें, 2019 में 52 सीटें, और आप 99-98 जो गिनना आपको गिनने उतनी सीटें गिनकर, ये तीन बार की सीटें गिनने तब भी 240 से कम है हमारे सामने खड़े कर। सनातन धर्म बीमारी की तरह इसको जड़ से मिटाना इनके नेताओं ने वहां पर कहा है, इनके नेताओं ने कहा है। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश से। अगर ये मुझे चाहते मेरा भाषण उस दिशा में जाए तो मुझे करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये शब्द जो इन्होंने कहे, सनातन धर्म को जो नीचा दिखाने का प्रयास किया, सनातन धर्म को आपने एक दचवी के साथ जोड़ने का काम किया, इनके पार्टी के नेताओं ने जो कहा ये मंजूर नहीं है। अरे मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। उन्होंने क्या बोला कि सनातन रहेगा, यही बोला ना, आपका आपत्ति है सनातन रहने पे। चलिए अध्यक्ष जी, हम सबके जीवन में जो 500 साल तक हमारी पूर्व की पीढ़ियों के जीवन में भी जो समय नहीं आया, हम सौभाग्यशाली हम कोविड से भी बच गए, और जो 500 साल में किसी को अवसर नहीं मिला वो हमारी आंखों के सामने भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। अध्यक्ष जी, मुझे इसी बात की पीड़ा है, ये सनातन धर्म को कुचलने की बात करते हैं, जड़ से मिटाने की बात करते हैं, और राम मंदिर के प्रसारण पर रोक भी किसी सरकार ने लगाई तो किस सरकार ने लगाई, क्यों लगाई है, क्यों लगाई थी रोक को, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेना पड़ा हमें, क्यों राम का विरोध करते हैं। अरे कुछ वैसे बैठे जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, कुछ वो है जिन्होंने राम मंदिर को टेंट में रखा, कुछ वो है जिन्होंने राम मंदिर के प्रसारण पर रोक लगाई। माननीय सभापति जी, और जब मैं बात करता हूं विकास भी विरासत की भी, तो हम यही नहीं, सोमनाथ धाम बनाया,
काशी विश्वनाथ धाम बनाया, दिव्य भव्य केदारनाथ धाम बनाया, महाकाल लोक धाम बनाया और दिव्य भव्य राम मंदिर भी बनाया है। हमने बौद्ध सर्किट भी बनाया, करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर का लांगा भी खुलवाया जो कोई नहीं करवा पाया। पंडित नेहरू की गलती थी जिन्होंने आजादी के समय, पार्टीशन के समय करतारपुर का हमारा गुरुद्वारा भी उस तरफ छोड़ दिया। दूरबीन लगाकर दर्शन करते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया और हेमकुंड साहब में रोपवे बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का मनाया, 400वां प्रकाशोत्सव गुरु तेग बहादुर जी का, 350वां गुरु गोविंद सिंह जी का हमारी सरकार ने मनाया है। और यही नहीं, अगर साहिबजादों का अगर साहिबजादों की शहादत पर भी अगर पूरे देश ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाया तो ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच। अरे आपके समय तो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, हरमंदर साहब में क्या क्या हुआ, और 84 के दंगे देश भूला नहीं है। सिखों का कत्लेआम ये कांग्रेस की सरकार के समय ही हुआ था। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला है पंजाब में कि हमारा वोट शेयर 3 गुना ज्यादा पंजाब की जनता ने बढ़ाया है, लेकिन मैं इन लोगों से ज्यादा अपेक्षा रखता भी नहीं। अरे इन्होंने चुनाव में भय भ्रम की राजनीति की, और इन्होंने यहां तक कि वो लोग जो प्रधानमंत्री जी के बारे में कहते थे बोटी बोटी नोच लेंगे, आपने उनको भी टिकट देकर सांसद बनाने का काम किया। क्या कहते थे, बोटी बोटी। मैं पूछता हूं साहब, क्या कहा? अरे किसको टिकट दिया? टुकड़े टुकड़े की सोच वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को कांग्रेस में शामिल किया और उनको फिर टिकट देने का काम भी किया। अरे जो अफजल गुरु की फांसी माफ कराने की बात करते हैं उनको दिया, जो भारत का नामो निशान मिटाने की बात करते हैं उनको कांग्रेस ने टिकट क्यों दिया? मेरा सवाल ही खड़ा होता है। मैं सवाल पूछता हूं सभा पटल से, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि राहुल गांधी जी को प्रतिबंधित? एक मिनट, सभा पटल से नहीं, सभा पटल के माध्यम से। पानी माने सदस्य को करेक्शन कर ले, सभा पटल से नहीं, सभा पटल के माध्यम। बिल्कुल, मैं क्षमा चाहता हूं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से करेक्ट कर दे। मैं यही बात दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। अगर मेरी बार में सत्य ना हो तो मुझे कोई भी खड़ा होकर टोक सकता है। ये क्यों आप कह सकते हो टोक सकता है? आपको अधिकार दिया है क्या? कोई नहीं टोकेगा, सबको। आपका बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण ऐसे ही मिलता रहे तो धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा अच्छी हो जाएगी। अध्यक्ष जी, सवाल ये खड़ा होता है कि जिस सदन में हम बैठे हैं, घटना पुराने सदन की, क्या देश का कोई भी व्यक्ति संसद पर हमला होना चाहे देखना चाहेगा? क्या आप में से कोई चाहेगा? तो जो उस हमले में शामिल थे क्या उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी? अगर उनको कड़ी से कड़ी सजा देश के न्यायालय ने दी, फांसी की सजा दी, तो बचाने के लिए सड़कों पर जो उतरे उनके साथ आप समर्थन करने निकल, उनके साथ आप उतर गए बचाने के लिए? अरे कोई और नहीं मिला 140 करोड़ भारत में, क्या मजबूरी थी? और अब आप चुनाव जहां से चुनाव लड़ने गए वहां से किसी और का नहीं है अध्यक्ष जी,
पीएफआई जैसी संस्थाओं का, मुस्लिम लीग जैसी संस्थाओं का समर्थन लेकर भी कुछ लोग चुनकर आए हैं। देश जवाब मांगता है, ऐसी कौन सी मजबूरी थी, कौन सी मजबूरी थी, कौन सी मजबूरी थी? अरे इनका इतिहास ही वैसा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारी बातें चुनाव के समय, और जो माननीय उल्लेख राष्ट्रपति महोदय ने भी जिस ओर किया संविधान की ओर, मैं वहां पर भी आऊंगा। कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने कितने, ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? हाँ, रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो, लहराते फिरते हो। निकालो जेब से देखो, अरे निकालो जेब से देखो, निकालो जेब से देखो, नकली मार लो, बताओ कितने पन्ने होते हैं। अरे बड़ा संविधान 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 करते थे, पहले संविधान बनाने वाले को उनको पानी प्रताड़ित करते हैं, अब संविधान दिखाते पढ़ते नहीं है, संविधान को कुचला किसी ने। माननीय सभापति जी, अगर संविधान को तार तार किसी ने किया था, संविधान को कुचलने का किसी ने काम किया था, तो वो भी आपने इमरजेंसी लगाकर किया था। देश आपको माफ नहीं करेगा। अरे 251 पन्ने होते हैं भाई साहब संविधान में, खोल के देख लो जरा। और माननीय सभापति जी, एक कहावत है, ये मजा लेते थे, लेकिन अब इनको पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। इसलिए जो मोदी जी को कहते हैं कि मोदी जी की तीसरी टर्म अग्नि परीक्षा है, ये तीसरी टर्म मोदी जी की अग्नि परीक्षा नहीं, ये अग्नि परीक्षा विपक्ष की है, विपक्ष के नेता की है। क्या वो विपक्ष को एकजुट रख पाएंगे? क्या वो पहले की तरह जो 50%, माननीय अध्यक्ष जी, जिनको लोकसभा बंक करने की आदत थी, 50% से कम हाजिरी थी, क्या वो सारा दिन लोकसभा में बैठ पाएंगे? अच्छा नहीं है, ओह आज भी नहीं है अध्यक्ष जी, क्या वो लोकसभा में बैठ पाएंगे? देर शाम तक बैठना पड़ेगा। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी इस पार्लियामेंट हाउस में रहते हैं, अब आपको अनुपस्थित जमींदारी नहीं चलेगी। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वॉन्ट वर्क, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वॉन्ट वर्क अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी कुछ लोगों की बार-बार, माननीय अध्यक्ष जी, एक और देश ने देखा है कि कैसे हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत के कारण जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, वो चंद्रयान मिशन की सफलता ने करके दिखाया है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने वाला देश हमारा भारत दुनिया का पहला देश बना है, पहला देश बना। एक और चंद्रयान मिशन की सफलता, आदित्य L1 सोलर की सफलता, तो दूसरी ओर क्या राहुल यान फिर एक बार फेल हो गया है? कांग्रेस और इनका इकोसिस्टम कुतर्कों के सहारे राहुल यान को सफल करने की बात करता है। मैं पूछता हूं अध्यक्ष जी, ये 4 जून से दिखाने में लगे हैं कि 99 का आंकड़ा 240 से ज्यादा बड़ा होता है। अध्यक्ष जी, क्या 99 240 से ज्यादा बड़ा होता है? कांग्रेस की इस बार सीटें 99 आई है, एक और छोड़ गए, 98 रह गई। अपने आप में ये रिकॉर्ड तीसरी बार विपक्ष में बनाने का इन्होंने बनाया है, लेकिन इनका घमंड अहंकार और तानाशाही सोच आज भी बरकरार है। यह मानसिकता, जब कांग्रेस का पार्टी मोड खत्म हो जाए तो इस पर आत्मनिर्भर और मंथन जरूर करना चाहिए।
माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक आंकड़ा देश के सामने रखना एक तो चलो प्लीज बैठे अपने अपनी सीट पे। सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर 352, रूल्स टू बी ऑब्जर्व व्हाइल स्पीकिंग। अ मेंबर व्हाइल स्पीकिंग नॉट रिफर टू एनी मैटर ऑफ फैक्ट विद अ ज्यूडिशियल डिसीजन इन स्पेंडिंग। मेक प्रेफरेंस अ पर्सनल रेफरेंस बाय वे ऑफ मेकिंग। ओके ओके सर, प्लीज एक्सपर्ज प्लीज। 352 के अनुसार बोलोगे, बोलो तय करो सदन में, सब तय कर लो। 352 के तहत बोलोगे, मैं सदन 352 के तहत चला दूंगा। नाराज नहीं हो रहा मैं नाराज नहीं होता हूँ। मेरे को माननीय सदस्य रूल बता रहे हैं, तो रूल की किताब बता रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूँ रूल की किताब से चलो। तो 352 के रूल के अनुसार से सदन चलेगा क्या? चलाना चाहते हो बताओ। ज्यूडिशियल प्लीज। ओके ओके, अभी नीट का विषय भी अदालत में चल रहा था, फिर क्यों उठा रहे थे? क्यों उठा रहे थे? नौ गलत। अच्छा माननीय सदस्य, नीट का विषय अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहा, फिर क्यों उठा रहे थे आप? नौ। अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष जी धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि ये प्रयास कर रहे थे कि 99 सीटें ही 240 से ज्यादा होती हैं। अभी इनका आंकड़ा, इनको मुबारक। लेकिन मैं एक बात तो देश के सामने और आपके माध्यम से सदन को जरूर बताना चाहता हूं, कांग्रेस मात्र 328 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। क्योंकि हमारे ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं, जब राष्ट्रपति भाषण में आया कि स्थिर और स्पष्ट बहुमत मिला तो उन्होंने बहुत हल्ला किया। मैं पूछता हूं, जब 2004 में आपकी सरकार बनी, 2009 में आपकी सरकार बनी, क्या आपको 240 सीटें भी मिल पाई थी? अरे आप उसके आसपास भी नहीं थे, 145 सीटें आपको मिली थी। मुझे जितना मजबूर करोगे कांग्रेस की उतनी परतें खुलती जाएंगी। कांग्रेस, अब माननीय अध्यक्ष जी, ये लड़े ही मात्र 60% सीटों पर थी। ये देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल मात्र 60 सीटों पर चुनाव लड़ा, 60% सीटों पर, 328 सीटों पर, और उनमें से भी 70% सीटों पर कांग्रेस हार गई, जनता ने इनको नकार दिया है। 328 सीटों में से 229 सीटों पर कांग्रेस की हार हुई है, जनता ने आपको नकार दिया है। एक तो लड़ाई 60% सीटों पर, उसके बाद 70% सीटों पर हार गए। और यही नहीं सर, जब कोई पार्टी अपना स्टैंडर्ड इतना लो सेट कर लेती है और बिलो एवरेज परफॉर्मेंस आती है तो उसको वो भी ओवरवेलमिंग लगता है। लेकिन मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, आप कुछ भी पालो पर गलत फहमी मत पालो। अगर आपको ये चार्ट देखना है तो इस चार्ट में अध्यक्ष जी मैं सभा पटल पर रख सकता हूं, कांग्रेस की कितनी सीटें कब कब आई। ये चार्ट बहुत कुछ दिखाता है माननीय अध्यक्ष जी। ये चार्ट में ये दिखता है कि यूपीए की जब आपकी पहली सरकार थी तो कांग्रेस की मात्र 145 सीटें आई थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी की 138 सीटें थी, 7 सीटों का फर्क था। और आप में और हमारे में सिर्फ 7 सीट का अंतर था भाजपा कांग्रेस में। सरकार आपने बनाई, हमने तो कुछ नहीं कहा, आपने 5 साल सरकार चलाई। फिर 2000 आपका उस समय वोट शेयर था मात्र 26.53%। 2009 में यूपीए की सरकार फिर आई, आपकी 206 सीटें आई, लेकिन आपके लिए वो स्थिर सरकार थी, आपके लिए वो कांग्रेस की सरकार थी, स्थिर सरकार थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 282 सीटें जीतकर 2014 में 1984 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार किसी ने बनाई तो हमने भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी। और
2019 में 303 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी ने जीती और हमारा वोट शेयर भी पहले से ज़्यादा बढ़ा। और मैं कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, 31% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का 2014 में था और 37.36% वोट शेयर हमारा 2019 में था और कांग्रेस का वोट शेयर मात्र 19.39% था, मात्र 19.39%। और इस बार भी हमारा वोट शेयर 36.56% है और 240 सीटें जीतकर और गठबंधन को पूर्ण बहुमत और स्पष्ट बहुमत मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, इनको इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने 2014 में 44 सीटें, 2019 में 52 सीटें और अब 99-98 जो गिनना आप वो गिन लें, उतनी सीटें जिनकर ये तीन बार की सीटें गिन लें तब भी 240 से कम है, हमारे सामने खड़े कहीं नहीं होते। और सुनना रहता है, और सुनना है, मैं और बता दूं सर, जितने पूरे समूचे विपक्ष की सीटें हैं उससे ज्यादा अकेली भारतीय जनता पार्टी की सीटें। माननीय अध्यक्ष जी, जब ये भारतीय जनता पार्टी का या मोदी जी का मुकाबला दो चुनावों में नहीं कर पाए तो क्या बनाया? एक ऐसा गठबंधन बनाया जो जेल वाले और बेल वालों ने मिलकर बनाया। कुछ जेल में थे, कुछ बेल पर थे, कुछ यहां पर भी बेल वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, इनकी पूर्व की सरकारों में जहां कितने ही घोटाले हुए, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, कोयला घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, देवास घोटाला, सबमरीन घोटाला, घोटाले पे घोटाला हुआ, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हो, नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, कोई घोटालों की कमी नहीं छोड़ी। इन्होंने अपने सहयोगी भी चुने तो शराब घोटाले वाले चुने, जमीन घोटाले वाले चुने, रिवर फ्रंट घोटाले वाले चुने, और वो सब चुने जो जेल और बेल पर थे। माननीय अध्यक्ष जी, इनकी एक पार्टी तो ऐसी है जिसका शिक्षक भर्ती घोटाला हो, पोंजी स्कीम का घोटाला हो, चिटफंड घोटाला हो, वो भी साथ में ही है, जहां पेंटिंग भी 3-3 करोड़ रुपए की बिक जाती है। एक ऐसा नेता है जो अपने आप को दुनिया का सबसे ईमानदार नेता बताता था और वो इतना ईमानदार निकला कि देखो आज जेल में है। हमने अध्यक्ष जी वर्क फ्रॉम होम तो सुना था, अध्यक्ष जी माननीय अध्यक्ष जी हमने वर्क फ्रॉम होम तो सुना था, वर्क फ्रॉम जेल देखने का अवसर भी इन लोगों ने दिया कि जेल से सरकार कैसे चलती। अपने आप को सबसे ईमानदार बताने वाला आज कट्टर बेईमान कोई है तो आज जेल में है। और जो जेल से निकलकर आए थे जैसे टिफिन ब्रेक लंच ब्रेक लेकर चुनाव प्रचार करने, वो बैक टू तिहाड़ चले गए। और खैर इनके गठबंधन की दुर्गति देखकर मुझे एक गीत याद आता है, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वो जो कहते थे गठबंधन करेंगे ना कभी, बच्चों की कसम भी खा गए भूलकर देखते देखते। गठबंधन भी किया तो किसने? एक राज्य में किया, दूसरे राज्य में नहीं किया। आज दिल्ली की जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहीं की हालत देख लीजिए, चोर चोर मुसेरा भाई, सब ने मिलकर गठबंधन की गुहार लगाई लेकिन दिल्ली की जनता ने खाता भी नहीं खुलने दिया, सातों की सातों सीटों पर कमल का फूल खिलाने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, ये कैसी सरकार दिल्ली में है जिसका शिक्षा मंत्री शराब मंत्री जेल में है, जिसका जेल मंत्री जेल में है, जिसका कानून मंत्री जाली फर्जी MA LLB की डिग्री लेकर वो उसमें जेल में, उसको इस्तीफा देना पड़ता। और यही नहीं, आपका नहीं दिल्ली का, आपकी मैं बाद में बात करूंगा, अभी
आपकी बात बाद में करूंगा। और जो जो देखिए, मुझे लगता था अध्यक्ष जी, जिस तरह से तमिलनाडु में 60 के लगभग लोगों की मौत शराब, नकली शराब के कारण हुई, आपको तो खड़े होकर नहीं बोलना चाहिए था। अध्यक्ष जी, जो खड़े हैं मैं समझ सकता हूं, जो बार बार खड़े हो रहे हैं, वो 2G घोटाले के समय किस किस पर आरोप लगा, मैं नहीं चाहता कि उनका नाम मैं यहां पर लूं। माननीय अध्यक्ष जी, जब इनको लगा, माननीय अध्यक्ष जी जब इनको लगा कि घोटाले वालों का सारा गठबंधन इकट्ठा करने के बाद भी, भ्रष्टाचारियों का कुनबा इकट्ठा करने के बाद भी हमें टक्कर नहीं दे पाएंगे, तो भय, भ्रम और अफवाहें फैलाने की राजनीति की गई। क्या क्या इस चुनाव में नहीं हुआ? और जिस और इशारा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आता था, चाहे टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो, चाहे अफवाहें फैलाने की बात हो, ये आज नहीं, ये बार बार इनके प्रयास हैं। और विदेशी ताकतों का हाथ भी इस चुनाव में देखा गया कि किस तरह से हकराया गया। ये EVM पर भी आरोप लगाते गए और बाकी बूथ कैप्चरिंग की तो मैं बात उस पर आऊँगा सब पे अभी। माननीय अध्यक्ष जी, दुख इस बात का है कि इनके कुछ नेताओं ने हम हिंदुस्तान के लोगों पर नस्ल भेदी टिप्पणियाँ की हैं। जहरीले बोल, सैम पिटी रोड़ा जो किसी के अंकल, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड है, और सर सैम पिट्रोडा का ये बयान, मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, क्या सैम पिट्रोडा का ये बयान और कांग्रेस की सोच एक है? अगर ऐसा नहीं तो कौन सी मजबूरी है कि अंकल सैम को पार्टी में लेना वापिस जरूरी है? मैं केवल कांग्रेस से ही नहीं, मैं राहुल गांधी जी से नेता प्रतिपक्ष से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, राहुल गांधी जी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्या वो सैम पिट्रोडा के बयान से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? क्या नस्ल भेदी टिप्पणी, ये भारत के लोगों को स्वीकार नहीं। मैं पूछता हूँ, आप दक्षिण के भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत के लोगों को नस्ल भेदी टिप्पणी करते हो, हमें स्वीकार नहीं। ये भारत के लोगों का अपमान है, हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष के नेताओं से, चाहे अखिलेश जी हैं, मारन जी हैं, राजा जी हैं, सुप्रिया जी हैं, बाकी सब हैं, सुदीप दा, बाकी सब लोग हैं, क्या आप सैम पिट्रोडा के बयान से और कांग्रेस की सोच से सहमत हैं? और मैं दूसरा पूछना चाहता हूं कि यहीं सर यहीं नहीं रुके, इनके साथी वो भी चुनकर आए जिन्होंने इस पवित्र स्थल पर, क्या यही दिन देखना था अध्यक्ष जी? अरे जो माँ भारती के लिए ना बोल सके, जो माँ भारत माता की जय करने में जिनके मुंह में दही जम जाता हो, होंठ सिल जाते हो, वो क्या हम उस दिशा में पढ़ रहे हैं? कभी ये लोग जय पाकिस्तान, जय चीन भी बोलेंगे? ये दुर्भाग्य है अध्यक्ष जी, ये दिन। और मैं एक और कहना चाहता हूँ, संविधान को बार बार हाथ में लहरा कर क्या करना चाहते हैं? अगर नेता प्रतिपक्ष अपने आप को संविधान के रक्षक कहते हैं, तो मैं चुनौती देता हूं कि वो सदन में आए और आश्वासन दें कि इमरजेंसी जैसी गलती कांग्रेस वापस कभी नहीं करेगी, आपको देश को कहना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि इमरजेंसी पर जब प्रस्ताव आया, तो क्या उस प्रस्ताव पर आप सहमत हैं और इसको शामिल होंगे, उनका समर्थन करेंगे? और यही नहीं, माफी भी आपको देश से मांगनी चाहिए। सभापति जी, संविधान इज बीइंग टॉस्ड अराउंड लाइक द वर्ल्ड सेक्युलरिज्म वाज, डिवेल्यूएटिंग एंड डिमीनिंग इट, दैट टू बाय अ पार्टी हु हैज फॉरएवर बीन एक्टिंग अगेंस्ट द इथोस ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। इन्होंने पहले कभी धर्मनिरपेक्ष शब्द का और कभी संविधान का दुरुपयोग ही किया है, और भी अपने लिए किया है। सच्चाई ये है कि जिन्होंने देश को संविधान दिया, वो बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित, प्रताड़ित, पीड़ित और पॉलिटिक्स से बाहर करने का काम किया, तो आप लोगों ने ही किया था। अरे गौरव जी, दर्द होगा आपको, गौरव जी दर्द होगा कांग्रेस को, क्योंकि आप लोगों ने ही बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ जो रचा वो देश जानता है, इतिहास गवाह है। दूसरी
दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली तो उसके बाद संविधान के आगे माथा टेका, तब भी और इस बार भी संविधान को नमन किया और संविधान के अनुसार देश चलाने की बात की। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर पंच तीर्थ किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने बनाया। बाबा साहब अंबेडकर की जन्म स्थली, शिक्षा स्थली, चैत्य भूमि और शिक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, पांचों स्थानों पर नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और लंदन में जमीनें लेकर वहां पर म्यूजियम, स्मारक और वहां पर उसको मान सम्मान देने का काम किया। पंच तीर्थ बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया। मैं आप सबसे एक और पूछना चाहता हूं, कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? हाँ, रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो। निकालो जेब से देखो। नकली मार लो, बताओ कितने पन्ने होते हैं? अरे बड़ा संविधान करते थे, पहले संविधान बनाने वाले को उनको पानी प्रताड़ित करते हैं, अब संविधान दिखाते पढ़ते नहीं है, संविधान को कुचला किसी ने? माननीय सभापति जी, अगर संविधान को तार तार किसी ने किया था, संविधान को कुचलने का किसी ने काम किया था, तो वो भी आपने इमरजेंसी लगाकर किया था, देश आपको माफ नहीं करेगा। अरे 251 पन्ने होते हैं भाई साहब संविधान में, खोल के देख लो जरा। और माननीय सभापति जी, एक कहावत है, दादा आपको क्यों दर्द हो रही है? इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी, आप ऐसे ही अपने उड़ता तीर ले रहे हो। बाद में मैं सभापति जी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, ये तृणमूल कांग्रेस बीच में आ गई है। अब सच्चाई तो यह है माननीय सभापति जी, सच्चाई यह है कि जो कभी कांग्रेस के नेता सदन थे, सच्चे तृणमूल वाले इनके लिए बोलते कांग्रेस के लिए, आज कांग्रेस तो अपने नेता सदन अधीर रंजन चौधरी के लिए खड़ी नहीं हुई, एक एक सभा करने भी इनके नेता नहीं गए, और ममता जी के आगे उनको बेचारे को कांग्रेस अपने नेता के साथ खड़ी नहीं हो पाई। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि कांग्रेस को बंगाल में घुटने टेकने जरूरी था? और मारन जी को दर्द हो रहा है। मैं कांग्रेस के बारे में इतना ही कहूंगा, ये तो संविधान की बात आपके मुंह से वो लगती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और कांग्रेसीकरण करने की बात करूं, जैसा ये हर योजना का करते हैं, अगर इसको मैं कांग्रेसीकरण करके कहूं कि 100 संशोधन करके कांग्रेस संविधान बचाने को चली। अरे माननीय सभापति जी, जिस पार्टी की बुनियाद ही संविधान की हत्या से, रिश्ते खून से बनी हो, वह पार्टी आज संविधान बचाने की बात करे तो गले नहीं उतरती है। ये तो वही बात हो गई कि अपने घर में नकली फूल रखने वाले बगीचों का शौक होने की बात कर रहे हैं आप पर, ये बिल्कुल। और मैं याद करवाना चाहता हूं, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, केंद्र में कांग्रेस की सरकारों ने आज तक धारा 356 का कितना दुरुपयोग किया है, और इसको दुरुपयोग करते हुए इन्होंने 93 टाइम्स राज्यों में विपक्ष की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। अरे इनका अहंकार और तानाशाही इतनी थी कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, इस तरह के नारे लगाते थे। इंदिरा गांधी जिन्होंने देश पर आपातकाल थोपा था, उन्होंने भी संविधान पर 50 बार 356 का दुरुपयोग करके सरकारों को बर्खास्त किया था। इंडी गठबंधन की कैसी विडंबना है कि इस गठबंधन में शामिल वामपंथी दल, जिनकी पहली बार अगर सरकार को किसी ने बर्खास्त किया
तो उस समय की सरकार ने किया था, कांग्रेस की सरकार ने, और कम्युनिस्ट पार्टी आज उनका समर्थन करने की बात करती है। और डीएमके जो इस गठबंधन के हिस्सा हैं, आपकी सरकार को भी उस समय बर्खास्त किया तो कांग्रेस ने ही किया था, और इंदिरा जी ने तो इसका 12 बार से ज्यादा दुरुपयोग किया। और यही नहीं, और ये तो कांग्रेस तो इसकी मूल भावना के साथ खिलवाड़ करती रही। मैं आपको कहना चाहता हूँ, नेहरू जी ने तो संविधान की आत्मा को ही खत्म कर दिया था। देश की संविधान बनने के 15 महीने के अंदर ही संविधान पर सबसे पहला प्रहार नेहरू जी ने किया था। आर्टिकल 19 जो इस देश के नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की, अरे सुनना पड़ेगा भाई, क्यों, अगर अगर माननीय अध्यक्ष जी सच नहीं है तो खड़ा होकर बोले कि नेहरू जी ने नहीं किया। अरे देश की संविधान की आत्मा को खत्म करने का काम किया तो नेहरू जी ने किया था, मैं दंगे की चोट पर कहता हूं। और ये आर्टिकल 19 को इस देश के नागरिकों को विचारों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इन्होंने उस आर्टिकल को ही अंकुश लगाने का प्रयास किया। यह मामला था ऑर्गेनाइजर और क्रॉस रोड पत्रिकाओं पर नेहरू जी की आलोचना हुई। लिखा सिर्फ इतना था कि पाकिस्तान में पीड़ित हिंदुओं की आवाज उठाई थी। तो पाकिस्तान में पीड़ित हिंदुओं की आवाज उठाने का दर्द नेहरू जी को तो और धन्यवाद करना चाहिए था ऑर्गेनाइजर का, लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम किया और पहला संशोधन उन्होंने जून के महीने में इसी महीने में लाए। और इंदिरा जी ने भी एमरजेंसी के निंदा प्रस्ताव, इंदिरा जी के समय वो पंडित नेहरू जी से और आगे निकल गई। 1975 में तो संविधान की हत्या ही कर दी। एमरजेंसी देश ने देखी, वो काला अध्याय देश भूलेगा नहीं। 21 महीनों के आपातकाल में 5 संविधान संशोधन हुए, अपने हिसाब से मिनी संविधान तैयार करने का, अध्यक्ष जी 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, संविधान तैयार करने का काम, मिनी संविधान तैयार करने का काम कांग्रेस ने किया। 42वें संशोधन में 40 अनुच्छेदों को ही बदल दिया गया। और सदस्य जब बोले क्रोध नहीं करें और इसको 5 साल पालन करना है, सर एक नहीं अनेक ऐसे संशोधन किए गए। उच्च न्यायालय से छीना पीएम पर नियुक्ति के व्यक्ति के चुनाव की जांच का अधिकार, न्यायपालिका से आपात की न्याय समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया था। अनुच्छेद 368 के तहत 40 अनुच्छेदों में को बदल दिया गया था। 42वें संशोधन को तो मिनी संविधान कहा गया। ये किसी और ने नहीं, ये कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया था, जिसके लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। और यही नहीं, अगर हमारे समय मात्र 8 संविधान में संशोधन हुए, और मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अधिकतर नेता जनसंघ के जेल गए थे संविधान को बचाने के लिए और इमरजेंसी के खिलाफ, हमारे नेताओं ने आवाज उठाई थी। और माननीय अध्यक्ष जी, माननीय स्टालिन जी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उस समय जेल में थे। आज तो सपा वाले कांग्रेस के साथ बैठ गए, मुलायम जी भी उस समय जेल में थे। आज तो आरजेडी वाले इनके साथ बैठ गए, लालू जी भी उस समय जेल में थे। ऐसी कौन सी मजबूरी है, इमरजेंसी थोपने वालों के साथ आपको गठबंधन जरूरी है? अब आप लोकतंत्र बचाने की बात करते हो। और यही नहीं, मीसा जी, बहन मीसा जी हैं, इनका तो जन्म ही मीसा एक्ट के दौरान हुआ। देश में मीसा थोपा गया तो मीसा जी का जन्म हुआ। ना जाने कितने लोगों का जान, ना जाने कितने लोगों का जान ली गई। हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं, इन्होंने अनेकों मैं अटल जी की 2 लाइनें कहना चाहता हूं। जो एक साल जब इमरजेंसी का हुआ तो उन्होंने क्या कहा था, जुसलाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंतर घट रीत गया, एक बरस बीत गया। सिंचों में सिमट राजग, किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गूंज मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया। ये हमारे नेताओं ने अपनी, आप ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, कहते थे ईवीएम ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब मैं इन सभी सांसदों से पूछना चाहता हूं, विपक्ष के, क्या ईवीएम ठीक थी कि नहीं थी? ईवीएम ठीक थी कि नहीं थी? माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में चुनाव में इस बार 30% वोट पहले से ज्यादा पड़ा। ये लोकतंत्र की जीत हुई है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहां पर अलगाववाद आतंकवाद पर नकेल कसी गई। जो नेहरू जी की गलती थी धारा 370 देकर और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बनाकर कांग्रेस ने गलतियां की, उसमें सुधार, धारा 370 को सदा सदा के लिए खत्म किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। आज वहां पर रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहा है, रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है, रिकॉर्ड निवेश जा रहा है और अब तो अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो गई है। जय अमरनाथ, जय भोलेनाथ। और माननीय अध्यक्ष जी, देश के लिए आर्थिक शक्ति और सैन्य शक्ति बहुत जरूरी है। हमारी सरकार बनते सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण मोदी सरकार ने शुरू कर दिया और मैं कहना चाहता हूँ, आपकी सरकार के समय भारत को दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर आपने बना दिया था हथियारों का, लेकिन हमारी सरकार ने आपके समय 2014 में 1000 करोड़ से कम एक्सपोर्ट होता था। आज माननीय रक्षा मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, 21000 करोड़ का एक्सपोर्ट, लगभग 21 गुना ज़्यादा किया। अरे उस समय चीन सबसे बड़ा इंपोर्टर होता था, आज वो मैन्युफैक्चरर बन गया है। और हमारा भारत भी, माननीय अध्यक्ष जी, हमने ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल आज फिलीपीन और अन्य देशों को बेचने का काम आज भारत उपलब्ध करवाने का काम कर रहा है। आज एक लाख करोड़ से ज्यादा का माननीय अध्यक्ष जी, आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा का रक्षा उत्पादन हम खुद कर रहे हैं। रशिया से आज 400 लिया, चिनूक हेलीकॉप्टर से लेकर बाकी सारे लिए, रफेल जेट हमने लिया, लेकिन भारत के अंदर हम ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, तेजस एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान बना रहे हैं, INS विक्रांत भी किसी ने बनाया तो भारत ने खुद बनाया है। हमने अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का निगमीकरण किया है और हमने देश की सुरक्षा को प्राथमिकता में दिया है, डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता को आगे बल दिया है, आर्म्ड फोर्सेस को आधुनिक किया। आपने तो हमारी सेना को ना लड़ाकू विमान दिया, ना हथियार दिए, ना गोला बारूद दिया और ना ही बुलेट प्रूफ जैकेट दी। 10 साल में कुछ नहीं दिया, ये हमारी सरकार ने मेक इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट देने का काम। माननीय अध्यक्ष जी, सुरक्षा के साथ साथ अंतर देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की मैं बात करूं, आज अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट में 11 पीस अकॉर्ड हुए, इतिहास रचा तो हमारी सरकार ने किया। और यही नहीं, 76% कमी इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स में आई है और 90% हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कैजुअलिटी में कमी आई है और 97% सिविलियन डेथ्स में कमी आई। ये अफवाह को भी हमने बहुत सारे कोनों से अलग अलग जगह से हटा दिया है। और यही नहीं, हमने CA लाकर जिनको वर्षों से नागरिकता नहीं मिली थी, हमारी सरकार ने नागरिकता देने का काम भी CA में किया है। आपकी सरकारों में अंग्रेजों की मानसिकता दिखती थी, दंड देने वाले कानून थे, हमने न्याय देने वाला कानून आज भारत को दिया है। अब नाबालिग से बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा होगी, देश के खिलाफ सशस्त्र उठाने वाले को, विद्रोह करने वाले को जेल होगी, राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह कानून होगा, देश के खिलाफ बोलना गुनाह होगा, व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोलने पर जेल नहीं होगी। आपकी पार्टी और आपकी सरकारें तो कोई बोलता तो उसको गिरफ्तार करने के लिए भेज देते हैं, बम धमाके गैस अटैक करने वाले आतंकवादी जेल जाएंगे, मॉब लिंचिंग करने वालों को भी अब फांसी की सजा होगी और बालिग से रेप करने वालों को भी सजा होगी, आतंकवादियों को जेल से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, लास्ट लाइन बोल के मैं खत्म कर रहा हूं, मैं इतना ही कहूंगा कि आज मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार लगातार देश को आगे बढ़ा रही है। आप चाहे जितना मर्जी विरोध कर लें, आज आपने देखा होगा ऑपरेशन गंगा चलाकर भी या दुनिया भर के देशों में कहीं आपदा आई हो, अगर फर्स्ट रिस्पॉन्डर कोई बना है तो मदद मांगने वाले से हटकर आज भारत मददगार देश बना है। हमने कोरोना के समय करोड़ों भारतीयों को ऑपरेशन चलाकर वापस लाए और यूक्रेन से 23000 भारतीयों को
ऑपरेशन गंगा चलाकर देश में सुरक्षित लाई तो मोदी सरकार लाई। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार आखिरी में किसान पे बोल के अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, ये कहते थे कि MSP बंद हो जाएगा, MSP बंद नहीं हुआ। 5.5 लाख करोड़ की खरीद आपके 10 साल में हुई थी, हमने 18,40,000 करोड़ की खरीद 10 साल में की है। आपके समय 27,662 करोड़ का बजट था, हमारे समय 1,25,000 करोड़ का बजट है। आपके समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुछ नहीं मिलता था, हमने 1,60,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मुआवजा दिया है। आपके समय 7,30,000 करोड़ रुपया 2013-14 में किसानों को बैंकों से मिला, हमने 21 लाख करोड़ रुपया बैंकों से दिया है। आपके समय 6,000 करोड़ रुपया सिंचाई योजना पर खर्च हुआ, हमने 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। आपके समय गेहूं की खरीद 2,40,000 करोड़ की हुई, हमने 12,40,000 करोड़ की। आपने गेहूं की खरीद 2,80,000 करोड़ की, हमने 5.5 लाख करोड़ की। आपने दलहन की खरीद 1,964 करोड़ की, हमने 85,000 करोड़ की खरीद दलहन की है। दलहन तिलहन पर भी आत्मनिर्भर भारत को बनाया है। भाई और बहनों, अंतिम बात खेलों की नहीं करूंगा तो करनी होगी। हमने वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप पुरुषों का भारत ने जीता है 13 वर्षों के बाद, अब भारत ने वर्ल्ड कप जीता है। अरे भारत की जीत के लिए ताली बजा दो, भारत के खिलाड़ियों के लिए ताली बजा दो। अध्यक्ष जी, इनके हाथ भारत की जीत के लिए नहीं चलते। ये तब भी सवाल खड़ा करते, अध्यक्ष जी अब हमारा देश ओलंपिक 2036 में आयोजन करने की तैयारी कर रहा है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते जो आज के सबसे ज्यादा है, कॉमनवेल्थ गेम में 61 मेडल जीते, और यही नहीं भारत ने एक के बाद दूसरे में मेडल जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया। हमने ट्राइबल के लिए रिकॉर्ड 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूल खोलने का काम किया। महिला सशक्तिकरण पर हमारी सरकार ने काम किया, आपके समय महिलाओं को न्याय नहीं मिला, 33% आरक्षण नारी शक्ति बंधन बिल पास करके दिया तो मोदी सरकार ने दिया। मैं इनके इतना ही कहूंगा, दामन है दागदार फिर भी इठलाकर चलते हो, जमानत पे है परिवार फिर भी सिर उठाकर चलते हो, बूझो कौन। अध्यक्ष जी, इनका रिश्ता झूठ से कुछ ये गहराता चला गया, जब भी इनका मुंह खुला अफवाह फैलाता चला गया। ये अफवाह फैलाते रहे और हम दुनिया को अपनी उपलब्धियां बताते गए, और देश की जनता ने मोदी जी के ईमानदार दमदार नेतृत्व पर मोहर लगाई है, फिर NDA सरकार बनाई है। मैं आपके इस माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह की परफॉर्मेंस पहले 2 टर्म्स में NDA सरकार की रही मोदी जी के नेतृत्व में, इस बार उससे आगे बढ़कर हमारी परफॉर्मेंस रहेगी। ये विकास का रथ रुकेगा नहीं, हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और अंतिम लाइन कहकर मैं यही कहूंगा, थोड़ा मुस्कराइए विपक्ष वालों, थोड़ा मुस्कराइए, आप नए भारत में हैं, और ये नए भारत की बुलंद तस्वीर मैंने थोड़ी आपके सामने रखने का प्रयास किया है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जहां मैं एक और उनका धन्यवाद करता हूं, समर्थन करता हूं, और आप सबने मेरी बात सुनी, मुझे अवसर दिया, पार्टी की तरफ से पहला रखने का अवसर दिया। मैं अध्यक्ष जी आपको एक बार फिर चुनने पर बधाई, आप सबको चुनने पर बधाई, और आप सबके माध्यम से मोदी जी को बधाई देता हूं, और यही कहूंगा, ले चलिए भारत को बुलंदियों की ओर, बनाइए विकसित भारत, हम आपके साथ हैं, आप भी आइए। भाई अध्यक्ष जी, मैंने तो हाथ जोड़ दिए, ये विकसित भारत की यात्रा में विपक्ष भी जुड़ जाए, ये मेरी तेरी लड़ाई नहीं, ये मेरे भारत की लड़ाई है, इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे, इसमें मेरा तेरा नहीं, इसमें बांटने वाला कुछ नहीं, विचारधारा का कुछ नहीं, ये मेरे देश के लिए है, हम अपने देश को अगले 25 सालों में विकसित भारत बनाएंगे।